हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, प्री वेडिंग क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो प्री वेडिंग क्लाइंट्स का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है ये उसका तीसरा वीडियो है। तीसरी कौन सी चीज़ आपको ऐड करनी चाहिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन में, या आपको अपने प्री वेडिंग क्लाइंट से ये ज़रूर बात करना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इस तरीके से है कि यदि आपका क्लाइंट, जनरली क्या होता है कि प्री वेडिंग क्लाइंट्स हमें बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि भैया मुझे ऐसा शूट कराना है, मुझे वैसा शूट कराना है, जबकि जब फाइनल आपका बात होते रहता है प्री वेडिंग का, तब ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती। तब आपको ये बोला जाता है कि भैया आपको एक प्री वेडिंग वीडियो करना है, कुछ फोटोज़ खींच देने हैं, एंड दैट्स इट। एंड एंड टाइम में, यानी मेन टाइम में, आपको क्लाइंट बोलता है कि भैया मुझे इस तरीके का वीडियो चाहिए, आपको ऐसा मोबाइल से दिखाया जाता है कि मुझे ये वाला वीडियो करना है, ऐसा वीडियो होना चाहिए, आपको बोला जाता है कि मुझे इस तरीके के फोटोज चाहिए। अब जैसे सपोज आपको क्लाइंट बोलता है कि, जैसे हमारे साथ एक बार हुआ था कि क्लाइंट ऑन लोकेशन हमसे मिनिएचर का डिमांड कर रहा था, और मिनिएचर में जो चीज़ें लगती थी वो एट द टाइम हमारे पास नहीं थी। मिनिएचर इन द सेंस वो छोटे छोटे लिलीपुट स्टाइल के जो फोटोज होते हैं वो हम करने के लिए हम रेडी थे, हम कर भी देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वहाँ पे उनका डिमांड था कि एक कार होना चाहिए, और कार को जो है ब्राइड जो है वो ढकेल रही है और ग्रूम उसके ऊपर बैठा है, इस तरीके का कुछ शॉट लेना था हमको, तो वो हम ले लेते एंड आफ्टर एडिट भी कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, अगर ये चीज़ कि दो दिन पहले हमको बता दें कि भैया हमको इस तरीके का कुछ नया करना है, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जनरली हम क्लाइंट से ये कहते हैं आज के डेट में कि आपको जो भी चीज़ें बतानी हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में ये वाली लाइन ऐड होती है जो कि अभी आपको नीचे दिखाई दे रही है। तो हम ये बोलते हैं कि यदि आपको कोई चीज़ क्लिक करवानी है, कुछ स्पेशल शॉट्स लेवाने हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 डेज बिफोर आपको बताना होगा। कम से कम 2 दिन पहले जब आप बताएंगे तब हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। हो सकता है कि हमको वो टेक्निक नहीं आती हो, हो सकता है कि हमको कुछ प्रॉप्स उसके लिए व्यवस्था करना पड़े, हो सकता है कि कोई नई टेक्निक हमको सीखनी पड़े, हो सकता है कि कोई ऐसी लाइटिंग टेक्निक हो जो क्लाइंट चाह रहा और हमको नहीं आती हो, तो वो हम या तो सीख लें या फिर मार्केट से कहीं से अडॉप्ट कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छे से शूट करने के लिए और आप क्लाइंट को अच्छा वर्क दे पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा तीसरा टर्म्स एंड कंडीशन जो था वो ये था कि क्लाइंट को आप पहले ही बता दें कि भैया आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जिस तरीके का फोटो या वीडियो चाहिए, अगर आपका कोई डिमांड है, तो आपको हमको एटलीस्ट 2 दिन पहले बताना होगा। ये था मेरा इंपॉर्टेंट टिप, आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे नए कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, हाउ टू शूट हाई इन वेडिंग, जिसमें हम ये सिखा रहे हैं कि मैं और मेरी टीम किस तरीके से हाई इन वीडियो शूट करती है ऑन वेडिंग में, तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, ये कोर्स सिर्फ 999 में है, यानी 999 में है, एंड इस कोर्स का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स बाय नहीं किया है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके कोर्स बाय कर सकते हैं। एंड आप भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से वेडिंग में हम वीडियो या सिनेमेटोग्राफी शूट करते हैं, उसका क्या स्ट्रेटजी होता है, कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, ऑल कुछ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौथा टर्म्स एंड कंडीशन आएगा कल, जिसमें हम बताएंगे कि चौथी ऐसी कौन सी बात आपको क्लाइंट से करनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।